यहाँ पे भी एक फ्रेम का तराड़ है, उतर पटीन वापस कर मेरी, पटीन वापस लगा। और यही वो मसले है जिनकी वजह से जी लोग शरार से दूर भागते हैं। 3000 cc VTEC इंजन फॉर यू, और ये इंजन कौन सा है? VTEC चल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम फोर की तरफ से आप लोग में हाजिर हैं, और आज की वीडियो के अंदर जी आपका भाई मेनम शुकत करेगा जी थर्स्टी क्रो बन जाएगा। वी सर्च हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ पार्ट्स। आज की वीडियो के अंदर जी हम प्रोजेक्ट जनाजे के सामान के लिए इधर और उधर जी खज्जल खुआरी करेंगे। अब सामान के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले हमने जी उसके ब्रेक पैड्स चेंज करवाने हैं, क्योंकि जो अभी वाले हैं वो जी देखने में बिल्कुल 10x10 लगते हैं, लेकिन असल में 0x10 है। बिल्कुल शहरी किंग के गुड्डों की तरह के बंदा उसको देखे कहता है हाँ भी चंगा भला इंसान है, सो क्या होना है, लेकिन जब उठता बैठता ना तो जिसके गुड्डों में ट्रक की आवाजें आती हैं, सेम वही हाल ही हमारे ब्रेक पैड्स का है। देखने में चंगे भले हैं लेकिन उनके अंदर जो रोकने की ताकत है वो जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसके बाद जो दूसरी चीज हमने देखनी है वो हमने देखने अपनी गाड़ी के तवे, देखते हैं कि शायद टूल ला के हमारा काम बन जाए, और जी हो सकता है कि ना बने, अगर ना बना तो जी हम चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि जो उनके हालात अभी बाद माड़े हैं। उसके बाद बॉडी के पार्ट्स के ऊपर या बॉडी के कामों के ऊपर आ जाए, तो जिस तरह आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारी गाड़ी के फ्रंट के ऊपर जो ब्रैकेट्स होते हैं बंपर सपोर्ट्स होती हैं वो जी फुल टाइम कंधों में जाके टकराए खा रही है, कोई इधर जाके बज रही है, कोई इधर जाके बज रही है, कोई इधर बज रही है, कोई उधर बज रही है, क्योंकि जो उनकी फिटिंग की जगह है वहां पे भाई साहब इतने बड़े बड़े खपे हुए हैं, तो जो बड़े बड़े खपे और मोड़ियां हुई है ना उनको जी हमने जाके आज बंद करवा देना है, उनको जी सील पैक कर देना है। उसके साथ हमारे जो इंजन बे के अंदर जहाँ पे बैटरी रखते हैं, बैटरी में से भाई साहब एसिड लीक होके जो हमारा फ्रेम था नीचे उसकी जिसने पार दी है वहाँ पे एक जी क्रैक आया हुआ है, उसको भी आज हमने जी वेल्डिंग करके बंद करना है। और इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर जो हमारा नवा इंजन है 7FE विद 6 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, उसको जी हमने गाड़ी के बीच कर देना है। कल रात मेरी लाला जी में फ्रेंड से बात हो रही थी, तो लाला जी ने कहा कि हाजी डोंट टेक टेंशन स्मोक बैंसर, इंशाल्लाह कल जो तेरा इंजन है ना वो तेरी गाड़ी के बीच होगा। तो आइए जाके देखते हैं कि जो हमारा इंजन है वो गाड़ी के बीच आज होता है कि नहीं। जैसा आप चेक कर सकते हैं हम जी पहुंच चुके हैं लाला जी मैं फ्रेंड के पास, प्रोजेक्ट जनाजा जी हमारे सामने खड़ा हुआ है। फिलहाल थोड़ी देर पहले धूप के अंदर सेके खार था, लेकिन जी अब उसके अंदर काम शाम शुरू हो चुका है। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं खान ग्रो के अंदर जी फुल हमारे प्रोजेक्ट जनाजे के लिए जी VIP जगह छोड़ी गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब प्रोजेक्ट जनाजे का क्या काम हो रहा है। तो जी हमने अबू बकर को फिलहाल इंजन बे के अंदर घुसा दिया, और जी वो सारे के सारे इंजन बे की जी सफाई सुथराई कर रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। सारा का सारा अबू बकर केमिकल मार के इसको लश पश कर रहा है। ये देखें जी कीचड़ निकला जी कीचड़, इसका इंजन बे समझ लें या गटर समझ लें एक चीज़ समझ लें, इतना कीचड़ है इसके अंदर। उसके अलावा ये सफाई करते हुए हमें बहुत मज़ेदार चीज़ें मिली हैं कि ये देखें जी ये हमें एक और क्रैक मिल गया फ्रेम के अंदर, ये चेक करें। उसके अलावा ये है जी बैटरी के नीचे वाले क्रैक, ये देखें ये, और एक और मज़े की चीज़ मिली है के जी इसके अंदर ठोका ठाकी की गई है। ये देखें जी उबर बकर ने अभी यहाँ से साफ़ किया है, ऊपर से कीचड़ हटाया, तो हमें यहाँ से पता चला कि यहाँ पे भाई साहब थोड़े मार मार के पूरा फ्रेम अंदर किया हुआ है। आपको बाकी चीज़ें दिखाऊं तो ये है जी हमारा फ्रंट ब्रैकेट सपोर्ट, ये सारा का सारा यहाँ पे हमने पीस लगाना है इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। उसके अलावा इन पत्रियों का देखते हैं भाई साहब सरियों का क्या करना है, ये लगी रहने देनी है कि इसके ऊपर वैरायटी लगानी है। ये मेरे ख्याल में मोड़ काटते हुए ये जो हमारा टायर है ये यहाँ पे जाकर लगता है, तो हो सकता है या तो हम टायर की प्रोफाइल चेंज कर दें या फिर यहाँ से जी कोई थोड़ा थोड़ा मार के भी इसको अंदर कर दें, क्योंकि यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं सारा का सारा यहाँ पे बाद में पीस लगा हुआ लोहे का, ये आप चेक कर सकते हैं वेल्डिंग। ये देखें जी इतों आ रही है, ए ए ए ए ए ए मेरे ख्याल में यहाँ पे सारा का सारा जंग था, तो जिस बंदे ने पहले गाड़ी रखी थी उसने यहाँ पे लोहे का पूरा पीस लगवाया। उसके अलावा ये भी देखें तो यहाँ पे आपको एक और तराड़ नजर आती है, ये देखें जी यहाँ पे भी एक फ्रेम का तराड़ है, तो ये जो सारे के सारे तराड़ों वाला काम है ना ये जी हमारे स्टार्ट नेटवर्क को जी फुल टाइम डिस्कूट ऐड कर देंगे, यहाँ पे पूरी पूरी वेल्डिंग कर देंगे, और अगर ज्यादा ही कमजोर है तो उसके ऊपर री इन्फोर्समेंट के लिए जी पीस वगैरह भी लगा देंगे। अब सफाई आप चेक कर सकते हैं, कोई आधे घंटे से बेचारा अबू बकर लगा हुआ है, लेकिन जी इतना गंदा इंजन भैया अभी तक भाई साहब की सफाई नहीं हुई। अब जरा इंजन की सफाई सफुई हो जाए उसके बाद फिर जो वेल्डिंग का काम है ये करेंगे, और इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर जो हमारा इंजन है वो जी हम इस गाड़ी के अंदर विच कर देंगे जी। इंजन की सूरत हाल पे आ जाए तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये है जी हमारा पुराना पट्टा पुराना इंजन 5FE जो था, और जी हमने इसको पूरे का पूरा जी नंगा कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर से इंटेक मैनिफोल्ड हमने उतार दिया है, इसके जो हेडरेस्ट है वो हमने उतार दिया है। उसके बाद जी अलावा जो
ऊपर पावर पंप लगा हुआ था, जनरेटर लगा था, कंप्रेसर लगा था, जो जो चीजें थी जिसने स्पार्क प्लग की तारें वगैरह होगी सारी की सारी चीज हमने उतार दी है और जिसको हमने फुल टाइम यहाँ पे नंगा करके रख दिया। नंगा क्यों किया तो आपको मैं दिखाता हूँ क्यों किया। तो ये चेक करें जी, उड़ते उड़ते आए जरा मेरे साथ। तो ये चेक करें जी, ये है हमारा जी नवा इंजन 7FE फॉर यू, और जो हमारा पुराना सामान था वो जी सारा का सारा हमने चुके यहाँ पे लगा दिया। आप चेक कर सकते हैं फ्रेश 5FE का पुराने वाला ऊपर इंटेक मैंने फोल्ड लगाया, उसके बाद ये हमारा पावर पंप आ गया, उसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं ये जी हमारा 6-speed फॉरवर्ड गियर फॉर यू, और ये जी 5FE का जो पुराने वाला था वही हमने लगाया है जी अपने 7FE के ऊपर। उसके अंदर इसके अंदर और हमने क्या चीज़ें ऐड की हैं, तो जी हमने फ्रेश नवी क्लच प्लेट फॉर यू, और जो चीज़ें थी ना जो पुरानी पार्टी पुरानी थी वो सारी की सारी हमने चेंज करके इसमें न्यू डाली हैं। उसके अलावा स्टार्टर वगैरह भी आ गया हमारा यहाँ पे, और ये जी इंजन हम इंस्टॉल होने के लिए जी फुल टाइम रेडी है। इसके बाद हमने चुकना है, गाड़ी के अंदर सुटना है, और जी उसके बाद फिर हमारा एक ही काम रह जाएगा और वो है जी वायरिंग का। अब जी आपको मैं एक बड़ा टैड किस्म का इंजन दिखाता हूँ, लाला जी के पास आज फ्रेश माल आया, उसके अंदर से वो इंजन निकला है, आपको मैं इंजन दिखाता हूँ, आपको उसको देख के जी दिल खुश हो जाएगा। तो ये चेक करें जी, फ्रेश होंडा का V6 इंजन फॉर यू, ये है जी 3000cc VTEC इंजन फॉर यू, और ये इंजन कौन सा है, तो ये है जी J30। ये V6 होता है, सिंगल ओवरहेड कैम होती है इसकी हर साइड पे, एक साइड पे एक उस साइड पे, और ये कितनी हॉर्स पावर बनाता है, तो ये बनाता है जी 250 हॉर्स पावर बगैर किसी टर्बो के, बगैर किसी नॉस के, ये जी स्टॉक बनाता है 250 HP फॉर यू। ये है जी होंडा इंस्पायर वाला इंजन, इसके अंदर और भी मॉडल्स आते हैं J32 वगैरह भी आते हैं, ये है जी फ्रेश 3000cc वाला। और ये भाई साहब इतना भारी कोई इंजन है, इसको 6 बंदे चुके लेके आए अंदर, आते आते जी लाला जी की अपनी जिम हो गई थी, इतना भारी इंजन है ये। तो आइए वापस चलते हैं अपने गरीब इंजन की तरफ। सब लड्डू की मेहनत जी रंग लाई है, और ये चेक करें जी हमारे इंजन में का भी रंग सारा बाहर आ चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं सारे जो ऊपर जी कीचड़ शीचड़ था वो जी लड्डू ने उसके ऊपर केमिकल मार मुर के सारा का सारा साफ कर दिया है। और जी ये चेक करें साफ करते करते इधर से इतना बड़ा प्रोटीन का जी पीस टूट के नीचे गिरा है, यहाँ पे भी भाई साहब फुल टाइम जी टोटल जेन्युइन काम किया। ये देखें जी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे भाई साहब लोहे के साथ उन्होंने पुटी पुटी वरायटियाँ ना लगाई हो। और ये है वो पीस जो पूरा नीचे से जी उन्होंने काट के लगाया यहाँ पे, ये देखें इस साइड से भाई साहब हालात बहुत ही माड़े हैं। अब लड्डू ने सारा इंजन पे साफ कर दिया, अब ये वाली यहाँ से ये जगह साफ करेगा ये वाली सारी, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब वेल्डिंग होनी है, क्योंकि जितनी की भी वेल्डिंग वाली जगह है उन सारी जगहों के ऊपर से हमने ग्रीस और ये मट्टी शट्टी उतार देनी है, ताकि जो वेल्डिंग है वो सही तरह जाके लोहे के साथ अपने संबंध बनाए। लें जी अंदर हमने फुल टाइम जी यहाँ पे VIP जगह खाली करवा दी हमारे प्रोजेक्ट जनाजे के लिए। और जी अभी ये बछिंदे पहुंच गए इनको तक्का तुक्का लगाने के लिए, ये देखें जी आया साबे साहब ने जी फ्रेश चाय और बिस्कुट खाए हैं, और जी अभी हैवी किस्म के तक्के लगाएंगे। ये जी भाई भी आ गए बीच में, लव यू टू। ये जी देखें 6 बछिंदे पहुंच गए तक्का लगाने के लिए, लगता कोई ज्यादा ही 200 हॉर्स पावर वाली गड्डी है। ये जी स्पोर्ट्स कार अंदर आ चुके हैं, खान ग्रुप के अंदर आ गए। ये देखिए जी ऐ ये चेक करें जी बड़ा खपा फॉर यू, और इसमें से हमने काला फ्रेश क्लास सिलेंडर अपना जो कि अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अब जी हम इत्तेफाक ऑटो से जाके नवा क्लास सिलेंडर लेके आएंगे। अब जी इत्तेफाक की बात है कि हमें मिलता है कि नहीं वो तो मैं जाकर पता चलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता भाई साहब पेट्रोल वादू महंगा है, तो जी HRV को हम नहीं निकालेंगे, हम जी पैदल अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे जी। जॉगिंग लाइफस्टाइल फॉर यू, मैं तो रोड भी क्रॉस कर लें इससे पहले कि मैंने थले दे जाए कोई रोड जेट जनाजे की जगह कहीं मेरा जनाजा ना हो जाए। तो जी मैं रोड क्रॉस करके आपको मिलता हूँ। और ये जी हम इत्तेफाक ऑटो से वापस आ रहे हैं। अब जी क्लास सिलेंडर तो मैं बेशक नहीं मिला, लेकिन जी उन्होंने हमें एक नया शॉपर दे दिया, क्योंकि जी पुराने वाला पार्ट गया था, उन्होंने हमें फ्रेश नया शॉपर दे के बेटा ये लो और जी सुकून से जा वापस जाके जी वर्षा बैठो, क्योंकि ये वाला जो क्लास सिलेंडर है ना ये यहाँ से भाई साहब कहीं से भी नहीं मिलने वाला, ये जी बलालगंज से मिल के आएगा। और यही वो मसले हैं जिनकी वजह से जी लोग शरार से दूर भागते हैं कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो जी आराम से नहीं मिलते। अब जी कोई बलालगंज से हम फिर फ्रेश नवा क्लास सिलेंडर काबली इंपोर्ट करवाएंगे जी। तो आइए वापस चलते खान ग्रुप पे और जाके जरा बाकी गाड़ी का जो काम है उन्हीं देर वो करवाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं स्टार जनरेटर जी गाड़ी को जुड़ चुके हैं, बत्ती ले गए और जब गाड़ी की जान जहाँ से फटी हुई थी सारी की सारी जी स्टार जनरेटर बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, ये होनी चाहिए बात, टेंशन ही कोई नहीं, पेट्रोल के पैप है कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, आग लग जाएगी तब भी अच्छा है, नहीं लगेगी तब भी अच्छा है। इसका नाम है लाल जनाजा, लाल जनाजा जी, लाल जनाजा नाम हो गया। अब जी जहाँ जहाँ वेल्डिंग हो सकती है वहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, और जहाँ पे भाई साहब हमें पीस लगाना पड़ेगा उस्ताद जी आप पीस ले आए हैं मैटर की शीट का,
ये आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हम शीट लगा के जी सारी जगह को रीइंफोर्स कर देंगे ताकि जो हमारा काम है वो जी फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाए। चेक करें जी, जा साहब आराम से आगे हैं, मुझे इतना लग रहा था आगे गाड़ी मारेगा ये भी। आने दो ये बच गया। ये जी जा साहब किस्मत अच्छी है, बच गया। चेक करें जी, जा साहब आराम से। भाई साहब नो गियर लीवर फॉर यू, ये चेक करें जी, जैसी पटा खपा फॉर यू। हमने जी अपना गियर लीवर भी चुके जी पीछे छोड़ दिया, ये आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो हमारा गियर लीवर है ये जी सेवन अप हो गया। अब इसके जी हम नवा गियर लीवर लगाएंगे जी, तकरीबन हम आधी से ज़्यादा गाड़ी काट गई दोबारा जोड़े हैं। जो चीज़ मेरी है भाई साहब बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उसकी जगह नया पीस लगाते हैं या फिर भाई चाहिए रिप्लेस कर देते हैं। अब जा साहब आपकी गाड़ी में क्या मसला है? हमारी गाड़ी में मसला आया है एक्स वाई जेड आगे, ठीक है आगे 1 2 3 ABC योर्स अब आइडेंटिटी नहीं दिखना साथ में। उसमें पता क्या मसला आया है, जरा सेटिंग होने वाली रेस की सेटिंग रेस तंग कर रही है ये। जा साहब कोई 6-7 महीने हो गए इन्होंने अभी तक अपने दोनों बीटेक नहीं चलाए। हाँ जी जा साहब हॉर्न चेक करो, ये जा ट्रेन हॉर्न लगा के आए हैं, ये हरकतें हैं कोई करने वाली यार, ट्रेन आ रही है यार साइड कर दो ये अभी इनकी ट्रेन मिसिंग आ रही है। ये देखें जी जा साहब कैमरा जमीन दिखा रहा है, कैसा कैमरा रखा हुआ आपने? डाउन टू अर्थ कैमरा ना यार, ज्यादा ही डाउन टू अर्थ हो गया जी। ये अब हम इजाज साहब के दोनों बीटेक चेक करने जा रहे हैं, उस्ताद जी पका के दिखाओ मुझे जी, विंड डीजल बांध के दिखाओ। हम लोग के दोनों मजबूर हूं, पैसे बहुत कम हो गए हैं। हां जी रोड बहुत महंगा हो गया है, महंगा हो गया इसलिए सॉरी। एसी तो बंद कर मामा, कोई बात नहीं। ये जी बीटेक चल गया, अल्हम्दुलिल्लाह बीटेक चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश रहते हैं सर जी, दो दर्द चीटर धंके स्प्रे कैन पकड़े हैं जी फ्रेश 250 ईच मंगाई, भाई साहब बहुत ज़्यादा हो गई चुकी है। और जहाँ से भी है भाई साहब हमने वेल्डिंग शेल्डिंग की वहाँ के ऊपर जी हम फिलहाल वक्ती तौर पे उसके ऊपर चीटर स्प्रे मारते हैं ताकि जी जंग शंग ना लगे। ये देखें जी जहाँ साहब बदतमीजी कर रहे हैं हमारी, यहाँ से पटीन चोरी करके ले गए हैं, वो तो पटीन वापस कर मेरी, पटीन वापस लगा सही तरह ये पूरा है ये जी टोटल जेन्युइन काम हो गया। फिर से जब भी काम किया बड़ा काम किया, छोटी पुटीन तो छोटे लोग लगाते हैं, हमने जब भी पुटीन लगाई हैवी पुटीन लगाई है। चेक करें दोनों साइड से ठोका टाकी हो रही है, उस्ताद जी यहाँ से मार रहे हैं, छोटा उस्ताद वहाँ से मार रहे हैं। ये देखें जी उस्ताद डंडरन जी यहाँ पे सारी ठोका ठाकी करके गाड़ी के जितने भी भाई साहब कमर के अंदर बाल छाल थे वो सारे के सारे बाहर निकाल दिए हैं। ये सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं फ्रंट पट्टी, जो पहले भाई साहब विंग चिपी हुई थी इजाज साहब की नाके की तरह, वो जी अब इन्होंने ठीक कर दी है। ये आप चेक कर सकते हैं फुल टाइम यहाँ पे मुलायम काम हो गया, ड्रेड एंडिंग से सारा यहाँ पे काम किया गया। उसके बाद जहाँ जहाँ पे जंग था वहाँ से जी पूरा पीस ही काट दिया, और वहाँ पे 18 गेज स्टील के साथ जी वहाँ पे नया पीस वेल्ड किया गया, यहाँ पे वेल्ड होया। फिर एक अदर इतने भाई साहब टुच मारा है, इतने मारे है, इधर भाई साहब पूरा पीस काट के दोबारा लगाया गया। उसके बाद जो इंजन बे में भाई साहब जो इंजन बे की फटी हुई थी वो जी सारी की सारी सीएस स्टार डेंटर ने आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे वटा खपा था, यहाँ पे वाशर आके उसको वेल्ड किया, और जी यहाँ से भी। उसके अलावा यहाँ से हमारा जो टायर था वो जी यहाँ पे बॉडी के साथ टच और था, तो यहाँ पे जी फ्रेश वड्डी थोड़ी मार के जी इस जगह को अंदर किया गया ताकि हमारा जो टायर है इस तरह दोबारा खत्म ना हो। अब जी मसला हमारा मेन ये है कि जो हमारा क्लच सिलेंडर है वो जी हमें कहीं से मिल नहीं रहा। फिलहाल हम गए थे आफ्ताब ऑटो पे, लेकिन जी वहाँ पे इतफाक नहीं हुआ कि हमें एक क्लच सिलेंडर मिल जाए, तो ये लाला जी में फ्रेंड हमें मंगवा के देंगे फ्रेश ब्रालगंज से या फिर कहीं और शोर से मिल जाए, या फिर हम कोई बिग वरायटी लगाएंगे और किसी और का यहाँ पे अल्ट्रेशन करके लगा देंगे, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं पहले भी यहाँ पे अल्ट्रेशन करके लगाया गया। ये आप चेक सकते हैं यहाँ पे पूरे का पूरा पीस दोबारा से वेल्ड किया गया है पुराने गाड़ी के लिहाज से। उसके अलावा जो हमने ये बम्पर की सपोर्ट ठीक करनी थी ये भी हमने ठीक नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि जब तक गाड़ी के ऊपर बम्पर नहीं लगा उसके लिहाज से हम इनको सेट नहीं कर सकते, हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ जाके इसको वेल्ड करना है।
तो ये वाला जो आगे वाला काम है, जो आगे डिस्को डांस वाला काम है, ये जो स्पोर्टिंग मैजिक कंधों में जाके बाज रही है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये हम तब इसको सेट करेंगे जब हमारा अगला बम्पर बन जाएगा, ताकि हम गाड़ी की सारी जो फ्रंट की शो है वो जी इनके लिहाज से सेट कर सकें। उसके अलावा जी हमारा ये वाला जो फेंडर था, ये जी यहाँ से फुल टाइम यहाँ से नोक निकल गई, टायर को बाज रही थी, ये आप देख नहीं रहे, ये जो हमारा पूरे का पूरा टायर यहाँ से कटा हुआ है वो जी यहाँ पे नोक निकलने की वजह से कटा हुआ था। उस्ताद जी ने इसकी भी पैसा ड्राई डेंडिंग करके जी इसको यहाँ से फुल टाइम जी काम मुलायम कर देता है। और जिसके अलावा आप चेक कर सकते हैं जा साहब की भाई साहब गाड़ी का काम यहाँ पे हो चुका है। और इसके साथ ही आज की जो हमारी वीडियो है उसका इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय। और चकन जी अब्बा जी कैचर भी नहीं देखें तो चील का आ रही है, फ्रेश नहीं रहने रहा फॉर यू।